5 reasons not to buy Suzuki Bergman Street 125. पहला नंबर, इसका जो रियर सस्पेंशन है ये सिंगल राइडर के लिए बहुत ही हार्ड है, पर अगर आप पिलियन को बिठाए तो पिक्चर पूरी चेंज हो जाती है, पर सिंगल राइडर के लिए ये बहुत ही हार्ड है। पॉट होल्स में, इंडियन बम्पर्स में ये आपको बहुत ही तकलीफ देने वाला है। नंबर टू, इसका जो फ्यूल लीड है ये अंडर सीट दिया गया है, ये बाहर की तरफ नहीं है, सीट के बाहर नहीं है, इसलिए अगर आपको गाड़ी रिफ्यूल करवाना हो तो आपको सीट से उतरना पड़ेगा। तीसरी जो चीज है वो है इसके अंडर सीट जो स्टोरेज है उस एरिया में कोई लाइट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब अगर अंधेरे में आप देखना चाहे आपका बूट स्पेस तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। चौथी कॉन जो है, इसका बॉडी जो है इसके साथ इसका हेड का हिस्सा यानी कि सामने की लाइट का जो हिस्सा है, फ्रंट का हिस्सा, ये फिक्स्ड है, सिर्फ इसका हैंडल घूमता है, ये भी किसी किसी के लिए दिक्कत की बात हो सकती है, खास करके सिटी में कंजेस्टेड ट्रैफिक में मैन्यूवर करने में प्रॉब्लम आ सकती है किसी किसी को। और लास्ट में जो इसका सबसे बड़ा कौन है वो है इसका प्लास्टिक की बॉडी। इसका इतना बड़ा बॉडी पर पूरा प्लास्टिक का बनाया हुआ है, ये किसी किसी के लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा बॉडी, इतना चंकी देखने वाला बॉडी पूरा प्लास्टिक का बना है, तो स्वाभाविक है मेटल बॉडी से ये फ्रेजाइल है। तो यही सब रीजन्स है, यही 5 रीजन है जिसके लिए आप शायद सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 को कंसीडर ना करें। अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। देखते रहिए